हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में एसिड के बारे में पढ़ चुका था। अब हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग बेस के बारे में स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे? बेसेस होते क्या हैं? वाटर बेसेस, बेसेस क्लासिक वाटर द क्लासिफिकेशन ऑफ बेसेस, प्रिपरेशन ऑफ बेसेस एंड दे विल सी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं बेसेज होते क्या हैं। देखिए, बेसेज वो मेटालिक ऑक्साइड हैं या फिर मेटालिक हाइड्रोक्साइड। वाटर बेसेज कुछ नहीं, मेटालिक ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड या फिर नॉन मेटालिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब को क्या बोलते हैं? बेसेज। तो हमें क्या याद रखना है? वाटर बेसेज, मेटालिक ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड। बेसेज एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमने देखा था एसिड के में क्या होता है? हाइड्रोनियम आयंस। बेसेज एसिड के हाइड्रोनियम के साथ रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बनाता है बेसिड ऑक्साइड। बेसिड के अंदर तीन कैटेगरी होते हैं, बेसिड ऑक्साइड, बेसिड हाइड्रोक्साइड और अल्कली। वाटर बेसिक ऑक्साइड हम पढ़ चुके हैं, दे आर मेटेलिक्स, इनमें क्या होता है? ऑक्साइड आयन, सॉरी इट इज ऑक्साइड आयन। तो बेसिक ऑक्साइड क्या है? जिनमें क्या होता है? ऑक्साइड। बेसिक हाइड्रोक्साइड मेटल के हाइड्रोक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड NaOH, इस NaOH में क्या है? OH माइनस। अब नेक्स्ट अल्कली। अल्कली क्या होता है? एंड अल्कली इज ए बेसिक हाइड्रोक्साइड। अल्कली कुछ नहीं है, एक बेसिक हाइड्रोक्साइड है जिसको हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्सिल आयन, फॉर एग्जाम्पल NaOH। ये है हमारा एक बेसिक हाइड्रोक्साइड है, इसको अगर हम वाटर में या फिर एक्वा सोल्यूशन में, वाट विल प्रोड्यूस? इट विल ब्रेक डाउन Na+ आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। वाटर अल्कली वो बेसिक ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, जो एक्वा सोल्यूशन में ब्रेक डाउन होते हैं हाइड्रोक्सिल आयन्स में। या फिर अल्कली को हम क्या भी बोल सकते हैं? सोलूबल बेस आर अल्कली। सारे बेसेज वाटर के सोलूबल नहीं होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन तीनों मेटल के हाइड्रोक्साइड वाटर में सोलूबल होते हैं, इसीलिए हम इनको अल्कली बोलते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक जगह NaOH रखा है और किसी एक जगह अदर मेटल का हाइड्रोक्साइड रखा है COH के ट्वाइस, कहने के तो दोनों हाइड्रोक्साइड हैं, बस फर्स्ट दिस इज एन अल्कली बट इट इज नॉट एन अल्कली, क्योंकि यह एक्वा सॉल्यूशन में पूरी तरह हाइड्रोक्साइन को रिलीज नहीं कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि वाटर में सोलूबल नहीं है। बेस तो है पर अल्कली नहीं है। तो इसके साथ हम आल कंक्लूड कर सकते हैं, आल अल्कली आर बेसेज बट आल बेसेज आर नॉट अल्कली। सारे अल्कली मतलब KOH, CaOH ट्वाइस, ये तीनों बेसेज नहीं हैं, क्योंकि सोलूबल हैं इसलिए अल्कली हैं। इसके अलावा COH के ट्वाइस लें, MgOH देख लें, O ट्वाइस देखें, ये तो बेसेज तो हैं पर अल्कली नहीं है क्योंकि वाटर में सोलूबल नहीं है। क्योंकि इसके साथ अल्कली क्या होते हैं और बेसेज क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसेज। कुछ चीज़ों के क्राइटेरिया में क्लासिफाइड किया जाता है, इट इज सिमिलर टू एसिड। जैसे स्थिर के स्ट्रेंथ के ऊपर मैंने क्लासिफाइड किया था, उसी तरह बेस के एसिड स्ट्रेंथ पर हमने क्लासिफाई करेंगे। स्ट्रांग बेसेज एंड वीक बेसेज। स्ट्रांग का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे, इट इज नाउ एक्वस सॉल्यूशन, ये पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोक्साइल आयन में।
पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन में। तो जो भी सब्सटेंस कंपाउंड जो भी बस ऐसे होंगे जो पूरी तरह कंप्लीटली आयनाइज होंगे हो जाएंगे हाइड्रोक्सिल आयन में, को क्या कहलाएंगे? स्ट्रांग बेसिस। स्ट्रांग बेसिस हमारा एग्जाम्पल आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कम वीक एसिड। वीक बेसिस क्या हम जो पार्शियल आयनाइज, जो पूरी तरह ना होके जो सिर्फ अधूरा मतलब आयनाइज होंगे, जैसे कि लेट्स सी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड पार्शियल आयनाइज। पार्शियल आयनाइज होता है अपने हाइड्रोक्साइड आयन्स को, देख सकते हैं आप कि तो ये डिस्टर्ब है स्ट्रांग बेसिस, स्ट्रांग बेस और वीक बेस में। उसके बाद नेक्स्ट है कम दे डिपेंडेंट हाउ हाउ डिपेंडिंग ऑन एसिडिटी। एसिड्स के केस में उनकी बेसिसिटी होती है एंड बेसिस के केस में उनकी एसिडिटी होती है। ये चीज़ याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब एसिडिटी के बेसिस में हम बेसिस को देखते हैं, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक एंड ट्राई एसिडिक। तो मोनो एसिडिक कौन होंगे? ओके, मोनो एसिडिक क्या होंगे? जो वन ओ एच आयन को प्रोड्यूस करेंगे। डाई एसिडिक जो दो ओ एच आयन को प्रोड्यूस करेंगे, और ट्राई एसिडिक क्या होंगे? जो तीन ओ एच आयन्स को प्रोड्यूस करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। लेट्स टेक एन ए ओ एच, एन ए ओ एच ब्रेक डाउन इंटू एन ए प्लस ओ एच माइनस। यहाँ देख सकते हैं ओ एच माइनस प्रोड्यूस हुए, इट इज मोनो एसिडिक। विच कम डाई एसिड एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट विल ब्रेक डाउन टू कैल्शियम आयन एंड टू ओ एच माइनस। अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर टू हाइड्रोक्साइड आयन्स होगा। तो आप देख सकते हैं तो सिंस दे आर टू हाइड्रोक्साइड आयन, इट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज डाई एसिडिक। नाउ ट्राई एसिडिक क्या होता है? जो तीन हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड इट्स एक्वा सोल्यूशन, थ्री हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस एंड थ्री प्लस एंड थ्री ओ एच माइनस। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद हम आते हैं इनके प्रिपरेशन पर। सो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ बेस। अब हम बेसिस को किस किस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं? जो हमारा पहला मेथड है फ्रॉम मेटल्स। अगर हम किसी मेटल्स को डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, मेड टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एन ए ओ टू, हमको ये पता है कोई मेटल का ऑक्साइड क्या होता है बेस। दिस इज द काइंड ऑफ डायरेक्ट कम। आप देख सकते हैं जैसे कि हम कह रहे थे, इसने बीच में गलती हो गई, सॉरी। दूसरा जो हमारा एक्शन है एक्शन ऑफ वाटर एंड रिएक्टिव मेटल्स। किसी भी मेटल को रिएक्टिव मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारा क्या बनाएगा? एन ए हाइड्रोक्साइड बनाएगा एंड एच टू विल बी। तो देखिए मेटल का हाइड्रोक्साइड बेस है, पहला मेटल था मेटल।
मेथड में जो अलग मेथड आते हैं उसमें क्या होता है, अगर हम साल्ट के सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाना है तो हम देख सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि हमको क्या बनाना है, NaOH, तो हम क्या करेंगे, सोडियम में कार्बोनेट को लेंगे NaCO3, और हम उसमें अगर स्लिप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है तो क्या प्रोड्यूस होगा, इट विल प्रोड्यूस NaOH, प्रोड्यूस NaOH प्लस CaCO3, दिस इज अगेन अ बेस। तो मैंने क्या किया, सोडियम के कार्बोनेट को रेड लाइम के साथ आप देख सकते हैं इस कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। दिस इज अगेन, आप देख सकते हैं इसमें कैसा रिएक्शन हुआ है, जैसे हमने आप देख सकते हैं कैसे इक्वेशन हो रहा है स्टूडेंट, देख लिए। अब चलिए आगे हम देखते हैं, उसके अलावा एक और रिएक्शन होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कैसे होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे बना सकते हैं, जस्ट अमोनियम गैस प्लस वाटर, अमोनियम गैस को वाटर के साथ तो एंड देन इट विल फॉर्म NH4OH। ये एक वीक एल्कली है, ये वाटर में सोलूबल है लेकिन वीक इसलिए क्योंकि पूरी तरह वाटर में जो नहीं हो सकता। लेट्स कम टू द केमिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में हमारा आया रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, देन वी सी लेट्स टेक एन एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इट विल फॉर्म Na2CO3 प्लस H2O, अब बेस विथ कार्बन डाइऑक्साइड इट्स फॉर्म कार्बोनेट एंड वाटर, बेस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट एंड वाटर रिएक्शन विथ एसिड, इट्स मोस्ट कॉमन थिंग्स वी नो एंड एसिड एंड बेस साल्ट प्लस वाटर। प्रॉब्लम में देखा कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एसिड बेस साल्ट एंड वाटर, थर्ड है हमारा रिएक्शन विथ साल्ट ऑफ हैवी मेटल, अगर हम हैवी मेटल के साथ देख करते हैं साल्ट को तब क्या होगा, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, मान लीजिए बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, लेट्स टेक अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो ये क्या बनाएगा, करस्पॉन्डिंग सल्फेट इट विल बी NH4 ट्वाइस SO4 के ट्वाइस प्लस Cu के ट्वाइस, दिस विल बी रिएक्ट विथ दिस, इसका एक एंड अदर एग्जाम्पल लेट्स टेक ZN जिंक सल्फेट, हमने हैवी मेटल के एक साल्ट लिया है उसको लेट्स टेक ए डिफरेंट बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म Na2SO4 प्लस जिंक हाइड्रोक्साइड, ये एक आप देख सकते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट है और कॉपर के केस में वो एक अदर था, दिस इज अ लिटमस व्हाइट बेस जिंक के केस में रिएक्शन विथ अमोनियम साल्ट, अब अमोनियम साल्ट के साथ बेस कैसे रिएक्ट करेगा, वी सी NH4Cl इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, इट विल फॉर्म NaCl प्लस H2O प्लस NH3, अमोनिया विल बी रिलीज, अमोनियम साल्ट कैसे रिलीज करेगा, अमोनियम साल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस विल बी रिलीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी का हम वापस एक बार देख लेते हैं, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बोनेट प्लस वाटर, रिएक्शन विथ एसिड साल्ट एंड वाटर हैवी मेटल के साथ क्या लगेगा, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड एंड साल्ट। अमोनियम के साथ क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग साल्ट साल्ट वाटर एंड अमोनियम गैस। अच्छा एक चीज और, इंडिकेटर्स जो हमारे एसिड और बेसिस आते हैं तो हमारा एक पीएच स्केल होता है जिससे हम पता कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग कंपाउंड एसिड है कि बेस। तो हम देखते हैं, लेट्स सी दिस इज ए पीएच स्केल, दिस इज 7, दिस इज न्यूट्रल, इसके आगे जब हम आएंगे इट इज 14, इट्स के पीछे स्टार्ट विथ 1, 1 से 7 में वी हैव ऑल द एसिड्स एंड 7 टू 14 वी हैव ऑल द बेस। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा जो बेसिक नेचर है वो स्ट्रांग होगा और कोई बेस इट विल बी स्ट्रांग बेस एंड कंपैरिजन टू, हम देख सकते हैं पिक्चर में इसी तरह से एसिड के केस में ये पीछे जाता है। मान लीजिए कि एक एसिड 2 वाले नंबर पर कॉल करता है और वीक एसिड 6 पर है तो कौन सा स्ट्रांग एसिड के केस में इधर इंक्रीज होता है, बेसिक केस में ये इधर इंक्रीज होता है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं।